तो फ्रेंड्स, क्या सब सभी लोग स्वागत है कॉन्टेक्ट ब्रो में। और आज हम बात करेंगे रियलमी वाई 5.0 बेस एंड्रॉइड 14 के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ कुछ ओटी अपडेट के बारे में जो रिलीज हो चुका है रियलमी की तरफ से। और आज मैं आपको बता दूं, रियलमी 10 प्रो प्लस 5G के अंदर भी रियलमी वाई 5.0 बेस एंड्रॉइड 14 का जो अपडेट है वो रिलीज हो गया था, और उसका जो अपडेट रोल आउट है वो आज से स्टार्ट हो गया है। उसके बारे में भी बात करेंगे, आप सभी लोगों को बताएंगे क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, और बाकी जो अपडेट्स है उसके बारे में भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको किसी अपडेट को इंटरेस्ट है तो आप चैनल को जो सब्सक्राइब करके साइड में बेल नोटिफिकेशन कॉल में क्लिक करना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने आपको कहा था कि 25 तारीख के बीच में आपको रियलमी 10 प्रो प्लस के अंदर रियलमी 5.0 बेस एंड्रॉइड 14 का एलेक्सिस अपडेट देखने को मिलेगा इसी मंथ में, और वो अपडेट जो है वो रिलीज़ हो चुका है। और अपडेट के बारे में बात करें तो कल ये अपडेट रिलीज़ हो चुका था, मतलब इसका फॉर्म रिलीज़ हो चुका था, और आज जो है ये अपडेट आपको मिलेगा अगर आपने अप्लाई करा है तभी जाके, ठीक है। और रिक्वायर वर्जन जो था RMX 3686 11A.36 वर्जन, ये रिक्वायर वर्जन में था। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आपको ये जो अपडेट है रियलमी 5.0 बेस एंड्रॉइड 14 का अपडेट वो आज से रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुका है रियलमी 10 प्रो प्लस 5G के अंदर। अगर आपने मिस कर दिया अपडेट को तो कोई बात नहीं दोस्तों, बीटा अपडेट है, इसमें बहुत सारे बग्स है, अभी आपको बहुत सारे बग्स का सामना करना पड़ सकता है अपने दिस अपडेट। कोई बात नहीं, बीटा अपडेट कर लेना, वहाँ पे भी बग्स होगा, बट स्टेबल अपडेट में आपको स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अपडेट अब जो है वो रोल आउट हो चुका है। ट्रायल अपडेट जो वर्षन आपको देखने को मिलेगा RMX 3686 14.0.0.80EX01, ये वाला वर्षन आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 14 बेस रियलमी 5.0 का ट्रायल अपडेट के साथ। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई रियलमी GT Neo 3 के अंदर इस मंथ का अपडेट क्या रिलीज़ होगा या फिर नहीं। तो रिलीज़ ऑलरेडी हो चुका है रियलमी की तरफ से अपडेट, जो अपडेट आपको देखने को मिलेगा RMX 3563 13.1.0.800, ये वाला वर्जन आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 13 के ऊपर। और अगर बात करें यहाँ पे जो आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, सिर्फ दिसंबर मंथ का सिक्योरिटी पैच आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और कुछ चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता रियलमी GT Neo 3 के अंदर। और ये अपडेट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों के डिवाइस में अभी भी 4.0 का अपडेट रन कर रहा है। अगर आपके पास 5.0 का एलेक्सिस अपडेट है तो आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। रियलमी 11 5G यूजर आप लोगों के लिए भी इस मंथ का जो अपडेट है वो रिलीज हो चुका है। और इस मंथ के न्यूज की अगर बात करें तो आपको जो देखने को मिलेगा RMX 3780 13.2.0.400 SP05EX01, ये वाला वर्जन आपको देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अगर आपको इन फ्यूचर बीटा अपडेट करना है तो आपको ये वाला वर्जन बहुत मतलब काम आएगा, रिक्वायर वर्जन पे रह सकते हैं, एज अ रिक्वायर वर्जन आपको ये वाला वर्जन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करें क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। सेटिंग्स के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, नेटवर्क के अंदर आपको VONR का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर नहीं करोगे तो पछताओगे, बहुत पछताओगे। साथ ही सेटिंग्स के अंदर आपको हेल्प एंड फीडबैक सेक्शन देखने को मिल रहा है, 5G सर्विस कंस्ट्रक्शन सेटिंग्स भी आपको देखने को मिलेगा, वॉल्यूम साइड इज ऑन नाउ डिस्प्ले ऑन द राइट साइड ऑन द स्क्रीन, मतलब वॉल्यूम जो स्लाइड है ये आपको राइट साइड में देखने को मिला, पहले तो लेफ्ट साइड में था, अब आपको ये राइट साइड में देखने को मिला, मतलब बहुत सारे चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिले। साथ साथ नवंबर मंथ का सिक्योरिटी पैच भी आपको इस अपडेट के थ्रू देखने को मिलेगा, ये दिसंबर मंथ का होता तो बहुत अच्छा होता है, बट रियलमी 11 5G के अंदर ये अपडेट रिलीज हो चुका है। देखिए साथ साथ आपको ओटी अपडेट देखने को मिला रियलमी नार्सो 60X 5G के अंदर, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर आप इसे नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम होगा अगर आप 5G सर्विस यूज़ करते हो तो पहले आपको ये वाला अपडेट कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ 5G डिवाइस, ठीक है। बात करते हैं चेंजेस के बारे में, सबसे आपको वर्जन जो देखने को लगा RMX 3782 13.2.0.400 SP05EX01, ये वाला वर्जन आपको देखने को मिलता है। तो अब बात करें इसके चेंजेस के बारे में, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला अपडेट, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, 5G नेटवर्क के अंदर आपको VONR का सपोर्ट देखने को मिलेगा इस अपडेट के साथ। तो बहुत से लोग मुझे पूछ रहे, बहुत से लोग कन्फ्यूज है, ये VONR है क्या, किस चिड़िया का नाम है, तो मैं आपको समझा दूँ। अगर आपका डिवाइस 4G है तो आपको ऊपर देखने को मिलेगा VOLTE, जैसे हम कहते हैं LTE वर्जन, VOLTE वोल्टी जो आपको देखने को मिलता है, ये 4G सर्विसेज के लिए। अगर आपका डिवाइस 5G है तो आपको देखने को मिलेगा VONR, ठीक है, मतलब अगर आप VONR अपडेट नहीं करते तो आपको वोल्टी में ही 5G चलाना पड़ेगा। तो वोल्टी में 5G चलाने के बहुत सारे नुकसान है, बहुत सारे प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी हो रहा है डिवाइस में कॉल ड्रॉप्स, नेटवर्क इशू, कभी कभी नेटवर्क चला जाता है, कभी कभी मतलब मोबाइल डाटा ऑन ही नहीं होता, ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है। बट अगर आप VONR अपडेट कर लेते हो अपने डिवाइस में, VONR सर्विस को आप ऑन कर लेते हो, तो 5G रिलेटेड कुछ भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, एकदम प्रॉपर 5G सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा अपने डिवाइस में, ठीक है। और ये अपडेट सिर्फ 5G डिवाइस के लिए ही है, 4G डिवाइस के लिए नहीं है। और तब आपको एक्चुअल के जो 5G का स्पीड है वो आपको देखने को मिलेगा, एक्चुअल 5G नेटवर्क का मजा ले सकते हो। तो VONR बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 5G डिवाइस के लिए, तो ज़रूर कर लेना इस वाले अपडेट को।
इन फ्यूचर आपको रियलमी के सभी 5G डिवाइस के अंदर ये फीचर देखने को मिलेगा, वीओ एनआर और भी जो बाकी है उन डिवाइस में भी ये अपडेट रिलीज होगा। 9 5G, 9 5G SE और भी जो डिवाइस है जिनमें 5G सर्विसेज हमें देखने को मिले, उन सभी डिवाइस में हमें वीओ एनआर का सपोर्ट देखने को मिलेगा ताकि हम अच्छी तरह से 5G को यूज़ कर पाए। रियलमी बहुत जल्दी सभी डिवाइस में अपडेट प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।